हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो दोस्तों देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि रिलेटेड है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, अब ये जो नोटिफिकेशन आया है 6 नवंबर 2020 को आया है और जो सिलचार से आया है। एडवर्टाइजमेंट में आप देख लेते हैं कि ये जो एडवर्टाइजमेंट वो आसाम से है और इसमें जो है वो एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट हैविंग लेटेस्ट यूजीसी नॉर्म्स फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी वीडियो को मिस ना कर सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आया इन द कचार कॉलेज सिलचर एट डिटेल बिलो। आप देखिए यहाँ पे जो इन्होंने जितने सब्जेक्ट सब मेंशन कर रखे हैं, इंग्लिश, बंगाली, मणिपुरी, अरेबिक, संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक, फिलोसफी, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, और साथ ही साथ देखिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ पोस्ट और रिजर्वेशन है वो भी यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं और जो रोस्टर पॉइंट है वो भी यहाँ पे जो है मेंशन कर रखा है। तो आप जिस भी सब्जेक्ट में एलिजिबल हैं तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पे स्केल की। तो यहाँ पे आपको जो पे स्केल दिया जाएगा वो यूजीसी के अकॉर्डिंग या यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे स्केल दिया जाएगा और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इट विल बी एज पर ऑफिस मेमोरेंडम असम हायर एजुकेशन। ठीक है, अब बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे जो एटलीस्ट आपका 55% मार्क्स होना चाहिए वो पर्टिकुलर जो पीजी डिग्री में होना चाहिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, और आपको यहाँ पे जो रिलैक्सेशन दिया जाएगा वो 5% दिया जाएगा फ्रॉम 55 to 50% इफ यू आर बिलोंग्स टू द एससी एसटी पर्सन और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, देन यू विल गेट द 5% रिलैक्सेशन। ओके, इसके बाद देखिए आपको जो है यहाँ पे रिलैक्सेशन 5% उन लोगों को दिया जाएगा जिन्होंने अपना जो पीएचडी डिग्री है वो ऑप्टेन किया था प्रायर टू 1991। ठीक है, साथ ही साथ जो मास्टर डिग्री है वो उन्होंने 1991 में जो है अपना कंप्लीट किया था, तो उन लोग को जो है यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, तो 19 सितंबर 1991 से जिन्होंने अपना जो एमएस मास्टर डिग्री वो कंप्लीट किया उससे पहले, तो उन लोग को 5% का यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो है यूजीसी सीएसआई नेट जो है वो क्लियर होना चाहिए या कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि यूजीसी कंडक्ट करता हो, जैसा कि स्लेट या सेट जो है आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे www.kacharcollege.ac.in पे जाना है और यहाँ पे जो है अपना आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट कर देना है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए इन्होंने मेंशन किया कि आपको जो है डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है 2000, तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन फी उन्होंने बोली वो आपको 2000 एप्लीकेशन फी सेंड करना, मतलब फिल करना है, डिमांड ड्राफ्ट उसका बनाना है, और आपको जो डिमांड ड्राफ्ट बनाना है ये बनाना है इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल कचार कॉलेज पेएबल है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिलचार ब्रांच, तो इसके फेवर में आपको जो है यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट बनाना है 2000 रुपीज का। ठीक है, और आपको जो यहाँ पे लास्ट डेट आएगी इट विल बी 20 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो 20 डेज के अंदर जो है जब से एडवर्टाइजमेंट जो है पब्लिश हुआ है उसके 20 डेज के अंदर जो है आपका जो एप्लीकेशन है वो पहुंच जाना चाहिए। इसके साथ इन्होंने मेंशन किया कि डेट ऑफ इंटरव्यू अलॉन्ग विद नेम शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट विल बी अपलोडेड एट द कॉलेज वेबसाइट। तो यहाँ पे जो है आपको अगर शॉर्ट लिस्ट किया जाता है तो आपको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो डेट ऑफ इंटरव्यू है इट विल बी पब्लिश ऑन द यूनिवर्सिटी ऑन द कॉलेज वेबसाइट, टू यू हैव टू रेगुलरली चेक योर दैट कॉलेज वेबसाइट। ओके, और साथ ही साथ इन्होंने यहाँ मेंशन किया अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको यहाँ पे इंडिविजुअल कॉल लेटर विल आल्सो बी सेंड टू द कैंडिडेट बाय पोस्ट और ईमेल। तो यहाँ पे बाय पोस्ट और बाय ईमेल अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको इंटरव्यू लेटर भी भेजा जाएगा, लेकिन बेटर है कि आप जो कॉलेज का ये जो वेबसाइट है उसे पर्टिकुलरली जो है कंटिन्यू चेक करें रेगुलरली, ताकि ऐसा कोई नोटिफिकेशन आता है तो आप जो है उसे मिस ना कर सकें। तो देखिए आप बात करें टीएडीए की, तो यहाँ पे देखिए कोई भी टीएडीए आपको नहीं जो है प्रोवाइड किया जाएगा, आपको अपने एक्सपेंसेस खुद उठाने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए ये नोटिफिकेशन था, तो आई थिंक आपको नोटिफिकेशन जो है वो अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बिना ना जाएं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।